प्रदेश की प्रमुख खबरों में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं प्रतीक्षा वर्मा, तो चलिए नजर डालते हैं। जनपद सीतापुर में आज राष्ट्रीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेखर दीक्षित जी की स्वर्गीय माता विमलेश दीक्षित जी की आत्मा की शांति के लिए एक श्रद्धांजलि सभा जिला सीतापुर के जिला कार्यालय मोहल्ला रामनगर में आयोजित की गई। शोक सभा में राष्ट्रीय किसान मंच के जिला अध्यक्ष धीरज पांडे, ग्रामीण भारत मिशन के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर ब्रज बिहारी जी, उत्तर प्रदेश मनरेगा मजदूर संगठन की सुनीला रावत जी आदि लोगों ने माता जी के चित्र पर पुष्प समर्पित कर 2 मिनट का मौन रखकर माता जी को श्रद्धांजलि दी। उपस्थित रहे राष्ट्रीय किसान मंच के पदाधिकारियों ने शोक सभा में बैठक करके निर्णय लिया कि आगामी 30 अक्टूबर को मिश्रिक क्षेत्र के कटिया गांव में, 2 नवंबर को लहरपुर क्षेत्र में, 3 नवंबर को सिधौली में, 5 नवंबर को मछरेहटा में, 6 नवंबर को एलिया में समर्पित सभाओं का कार्यक्रम होगा। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए अविनाश कन्नौजिया की ये रिपोर्ट। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया 24x7 लाइव टीवी।